हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक बैंक की अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, और हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उस क्रेडिट कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहां पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे आपको हर साल एनुअल फीस देना पड़ेगा जो कि है 199 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहां पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा खर्च लेते हो तो आपका जो ये एनुअल फीस है 199 वाला वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो 15,000 का जो अमाउंट है वो बहुत ही छोटा अमाउंट है, आप बहुत इजीली एक साल में 15,000 खर्च कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आप 15,000 खर्च कर लोगे तो आपका जो ये एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहां पे आपको मिलता है वो ऑब्वियसली रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 100 रुपीज का रिटेल स्पेंडिंग करते हो तो यहां पे आपको मिलेंगे 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर हम यहां पे अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के वैल्यूएशन की बात करें तो यहां पे आपके 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी वो होगी वर्थ रुपीज 100। तो आपको समझ में आ गया कि आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू यहां पे कितनी है। और अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कराना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहां पे होने चाहिए, तो ही आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वो इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। देखो, कोई भी बैंक चाहती है कि आप उस क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस क्रेडिट कार्ड के अगर माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 1,00,000 या उससे ज्यादा खर्च कर लोगे तो यहां पे आपको एज अ गिफ्ट दिए जाएंगे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए तो आप इनको रख सकते हो। अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो वो भी यहां पे आपके पास अवेलेबल है। आप चाहो तो इनसे 4 PVR के टिकट्स ले सकते हो जिनकी जो वैल्यू होगी वर्थ रुपीज 400 की होगी। अगर आपका टिकट का अमाउंट उससे ज्यादा होगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको जो बेटर बेनिफिशियल लगे आप वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहां पे हम बात करें तो यहां पे आपको अर्बन शील्ड का भी बेनिफिट मिलता है। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर कहीं चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होता है तो उसके लिए आप लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है आपको इमीडिएटली इनके कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होता है तो आपको वहां पे 50,000 रुपीज तक का कवरेज मिलेगा। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यहां पे आपको एड ऑन कार्ड का भी फैसिलिटी मिलता है। अगर आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर को एक एड ऑन कार्ड दे सकते हो, आप उनका लिमिट भी सेट कर सकते हो, आप उनके स्पेंडिंग्स को ट्रैक भी कर सकते हो। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो काम की लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 से लेकर 65 के बीच का होना चाहिए। अगर आपका एज 21 से कम या फिर 65 से ज्यादा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरा क्राइटेरिया यहां पर है वो ये कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका जो एनुअल इनकम है वो कम से कम 3,00,000 रुपीज का होना चाहिए। और यहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, रेसिडेंस प्रूफ हो गया। तो अगर आप बैंक के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो आपको ये क्रेडिट कार्ड बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो लगभग सारी चीजें हमने इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उसका नाम भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।